तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है 291 पदों का वैकेंसी आ चुका है। इस फॉर्म का भरने का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या, स्टार्टिंग हुआ है या नहीं हुआ, मैं इन सभी सवालों का आपको जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो अगर आपको सही लगे, यानी लगे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इनकम टैक्स के मुंबई के तहत जो 291 पदों में जो वैकेंसी आई है, वाकई में वैकेंसी है या नहीं है, हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं जो है इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट मुंबई के तहत जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये नोटिफिकेशन है। हम चाहें तो आपको डायरेक्ट समझा सकते हैं वाकई में वैकेंसी है या नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको वाकई में सही जानकारी देना। अगर वो वैकेंसी रहता है तो आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं और आपको खुद से किस तरह मिल सकता है और घर बैठे किस तरह फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी सवालों को देखेंगे। अगर उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं लेकिन जब वैकेंसी को सर्च करते हैं वैकेंसी को दिखता नहीं है, मेरा काम वो नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी समझा सकता है लेकिन नहीं है। मेरा वीडियो जो भी होता है एकदम वाकई में सही होता है। कुछ लोग क्या करते हैं व्यू पाने के लिए डायरेक्ट समझा देते हैं, यानी अपना गलत से गलत अफवाह फैला देते हैं, वैकेंसी दिखता नहीं है। मेरा वो काम नहीं है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, खुद से भी आपको निकाल के दिखाएंगे किस तरह आप सर्च करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है नया पेज ओपन कर लेना है। जैसे नया पेज ओपन कर लेंगे, सर्च बॉक्स में सर्च करना, आपको इनकम टैक्स मुंबई .gov.in लिख के सर्च कर लेंगे, आपको कुछ इस तरह पेज ओपन दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम मेंशन करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना है। जैसे इस पर क्लिक करके आप ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे एक नोटिस का ऑप्शन आ रहा है, इसे कट कर लेंगे। जैसे इसे कट कर लेंगे, आप इनकम टैक्स मुंबई का जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसके तहत किसी तरह का वैकेंसी या किस तरह नोटिफिकेशन जारी होता है सारा यहाँ पे शो होता है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं जो है इनकम टैक्स मुंबई में जो है डिपार्टमेंट में 291 पदों का नोटिफिकेशन और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है लिंक द सपोर्ट रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आपको ओपन लेना है। मैं वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। अगर वैकेंसी वाकई में सही रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक, दोनों का लिंक दिया रहेगा ताकि आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिंक पे आ सकते हैं और देख सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई के लिंक पे आके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे तो मेंशन कर रहा है कि आपका इस जब इस ओपन करेंगे आपका पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेज ओपन होता है डेस्कटॉप मोड में, तो 3 डॉट पे जाके आप जो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेंगे तभी आपका पेज जो है अगला पेज ओपन होगा। ये जैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई के तहत जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा नीचे कर लेंगे। आपको नीचे पे आने के बाद आपको हम सबसे पहले जानकारी देते हैं इसका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट की बात किया जाए, तो स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं जो 22 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए तो 19 जनवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इस बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस फॉर्म को देखने के बाद टोटल पोस्ट क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी चीज़ हम बारी 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 जानते हैं। जैसे कि वैकेंसी पोजीशन जो है, इस पर क्लिक करके आप पोजीशन देख सकते हैं जैसे कितना पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट की बात किया जाए, टोटल पोस्ट यहाँ देख सकते हैं मेंशन कर रहा है 291 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। जैसे पोस्ट की बात करते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में जो है 14 पोस्टों की वैकेंसी है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लेवल पर जो वैकेंसी है इसमें 18 पोस्टों की वैकेंसी है। अगला टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है जिसमें 119 पदों की वैकेंसी है। अगला है मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे MTS के तहत जो आता है उसमें 137 पोस्टों की वैकेंसी है। और अगला है कंटेंट असिस्टेंट जो वैकेंसी है CA के तहत जिसमें सिर्फ 3 पदों की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए, टोटल पोस्ट 291 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। अब क्या इसका फॉर्म जो है आगे देख लेते हैं, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है क्या क्या होता है सारा चीज जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नीचे वाला ऑप्शन पे देख लेंगे, इसमें तो आपका जो एज लिमिट वगैरह सारा शो कर रहा है, और गेम स्पोर्ट देख लेते हैं किस पोस्ट में कितना है सारा चीज, स्पोर्ट कोड दे दिया गया, स्पोर्ट कोड भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो कौन लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए, हाँ सबसे पहले इसमें 12th पास के लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 12th, जो स्टेनोग्राफर में जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 12th पास के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, और टैक्स असिस्टेंट के जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका डिग्री जो है यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या MTS के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक पास ही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और CA के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके भी टैक्स पास होना चाहिए।
और जो है इनकम टैक्स जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उनमें जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी जानने के लिए थोड़ा सा नीचे देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मेंशन करा एप्लीकेशन फी, उनको जो सभी को जो है 200 रुपया लगने वाला है। कितना लगने वाला है एप्लीकेशन फी? 200 रुपया जो है आपको एप्लीकेशन फी लगने वाला है। यहाँ पे मेंशन कर रहा है एप्लीकेशन फी कितना है, 200 रुपया लगने वाला है। अब इन सब सवालों के बाद जानने के बाद आपको फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। नीचे जैसे कर लेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आपको तो लॉगिन होने के लिए ईमेल आईडी या पासवर्ड तो चाहिए, उसके लिए नहीं है, उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम मेंशन करना है, फर्स्ट नाम मेंशन करने के बाद मिडिल नेम, मिडिल नेम डालने के बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम डालने के बाद आधार नंबर, आधार नंबर में जैसे रेड स्टार लगा हुआ क्या, क्योंकि इसको देना आपको कंपलसरी है, जिसमें रेड स्टार रहेगा वो देना आपको बहुत कंपलसरी रहेगा। मोबाइल नंबर भी देना आपको कंपलसरी है, ईमेल आईडी देने के बाद आई एम एड नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके लॉगिन ईमेल आईडी पे यानी कि ईमेल आईडी अपना दर्ज करना और पासवर्ड आ जाएगा आपके ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे, वहाँ से लॉगिन होने के बाद फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी फी लगेगा सबमिट कर पाएंगे। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता जो फिलअप करके बताऊँ, मेरा काम है सिर्फ जानकारी देना कि किस जगह से कौन सा वैकेंसी है, किस तरह की वैकेंसी है, वाकई में वैकेंसी है या नहीं है, अगर वो वैकेंसी रहता है तो किस तरह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, शेयर करने से लोग बोल रहे हैं कुछ लोगों को पता नहीं चल पाएगा किस तरह वैकेंसी है, इनकम टैक्स में मात्र 251 की वैकेंसी है इसलिए कुछ लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर उनको पता चल पाएगा तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये सब जानने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको पता चला उस जानकारी ले पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।